शोवर मिस शेर नसीर। अच्छा, आप मुझसे वो लोग जिनको बैक में प्रॉब्लम है उनके लिए आज से मैं दो तीन सीरीज में एक्सरसाइज बता दूंगा। आज जो एक्सरसाइज है ना, इसके लिए अगर तो आपके पास जिम है तो ठीक है, नहीं है तो आपको इस मशीन से आइडिया होगा कि आपको किस तरह से क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपने वॉक करनी है, ठीक है। वॉक 8 से 10 मिनट की वॉक करेंगे आप, और उसके बाद आपने ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट करनी है। सो आपने ये होल्ड करना है और लटकना है। इससे आपका स्पाइन स्ट्रेच होगा, ये अमल आपने 3 से 5 दफा करना है। और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ इसको होल्ड करें और खुद को आगे की तरफ पुश करें, और जो लोग पार्क में जा सकते हैं वो वहां करें, या घर में अपना एक अरेंजमेंट करें कि आपने इस तरह के अपने हाइट से ऊपर की कोई भी चीज होल्ड करके आपने स्टे करना है। 3 to 5 टाइम ये अमल करना है। तो इसमें स्ट्रेच, स्ट्रेंथ और उसके बाद फिर मोबिलिटी वर्कआउट्स होती है इसकी, लेकिन बुनियादी यहाँ से पहले वार्म अप में वॉक करें। वॉक के बाद आपने यहाँ से स्ट्रेच लेना है, तो ये आपकी टोटल स्पाइन स्ट्रेच कहलाती है, ठीक है। तो इसके अंदर वैरायटी ऑफ वर्कआउट्स है, लेकिन ये एक बुनियादी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को सूदमंद साबित होगा। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोग, क्योंकि आज मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि मस्जिद में एक बंदा को प्रॉब्लम था, तो मैंने ये आइडिया लगा कि नहीं, उन तमाम लोगों को जिनको नमाज में बाकी जगहों में जाते हुए बैक पेन है, तो उनको कैसे अपने आप को ठीक करना। बाकी मेडिसिन जो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन है वो तो चलती रहेगी, मगर इसमें एक्सरसाइज का भी जो रोल है ना वो भी प्ले होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी एक चीज़ इसमें से छोड़ देंगे तो आप 100% परफेक्ट या ठीक नहीं हो सकते। सो एंजॉय योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, और कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स एंड हेल्प ईच अदर। सो दैट्स व्हाट द मोटो फॉर लाइफ इज, टू हेल्प ईच अदर, एंड दैट्स इट गाइस। अल्लाह हाफिज़।